और उसमें जिसने आपको वीडियो पे दिखाया उसका सारा वो जो है ना वो एक कनेक्शन ही खत्म कर दिया उसका। इस प्रकार की मनोवृत्ति जिसके भी जिस कलेक्टर ने भी ये काम किया है ये सबको पता है कि किस कलेक्टर ने इस प्रकार का व्यवहार किया है, इस तो कलेक्टर को बिल्कुल आपको सजा देनी चाहिए। हमारी कमी है तो बताएं उस क्या बात, देख लें अगर गलती हो रही है तो सुधारने का काम करेंगे, पता ही नहीं लगेगा तो बीमारी का इलाज कहाँ से निकालोगे। गलती आप हो या चाहे मैं हूँ, हो सकती है, कोई भी कर सकता है, हमारा साथी कहीं भी काम कर रहा है, लेकिन उसको अगर सुधारने का काम करें ना। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन का समय आज की कार्य सूची के पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए। समय बढ़ाया जाए, बढ़ाया गया कार्य सूची समाप्त होने तक समय बढ़ाया गया। मेरा जो सुझाव है, क्योंकि बहुत कुछ बातें सभी ने कह दी, मैं उसको लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन ध्यान इस पर केंद्रित करें कि इस बीमारी से लड़ने का एक ही तरीका है, बचाव। जो आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, हम सब लोग भाषण में कहते हैं, लेकिन अभी तक लोगों की मानसिकता नहीं बदल सके, और अभी तक मानसिकता नहीं बदले इसके कारण से ये विस्फोट आगे से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए जो प्रचार प्रसार का तरीका उसको आप करो, आपको और हमको सबको, हम जितने सदस्य यहाँ बैठे हैं, जब कोरोना केवल सैकड़ों की तादाद में था तब सैनिटाइज की मशीनें दौड़ती हुई रोज हम में से भी कोई ना कोई लेकर के MLA खड़ा है, पॉइंट कहीं कर रहा है, और आज की तारीख में कहीं दिखता है क्या? आज की तारीख में कहीं सैनिटाइज करता दिखता है? जब विस्फोट हो रहा है तो आप ये आवश्यक काम को बंद क्यों हो गया? क्या कारण हो गया जिसके कारण से आज ये स्थिति आ गई है? आपने देखा कि जांच का दायरा जो अभी आपने बताया, जांच रिपोर्ट अभी भी आप देखो, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर एक बार आप उन सब का फिगर आज की तारीख में कहीं देखिए, जहाँ आपकी जांच की कैपेसिटी अगर 500 की है तो उस जगह ने प्रतिदिन कितने सैंपल आए और कितने सैंपल उन्होंने उस दिन जांच करके निकाले, फिगर आपके सब पास है। कैपेसिटी होते हुए भी 3-3 दिन तक कोरोना की रिपोर्ट नहीं आती है, जिसके कारण से जो भी व्यक्ति टेस्ट करा के गया, अब अब्बा राम जी यहाँ आए होंगे या हमारे भी कुछ साथी आए होंगे, अब टेस्ट करा के आए तो भी सदन में आ गए। हम में से भी कई लोग यह गलती कर देते हैं कि अब जब हमने टेस्ट का दे दिया तो जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आवे तब तक तो कम हमसे कम बचाया जा सकता है। तो मैं सोचता हूँ यह जो डिले हो रहा है, इस डिले को आप निश्चित रूप से कैसे न कैसे सिस्टम में डाल करके इसको सुधारने का प्रयत्न करिए, तो इसमें से बचें। अब ये मैं सोचता हूँ कि जब जांच रिपोर्ट जिसकी आनी है, आपने कह तो रखा है ऑनलाइन जो है उसके मोबाइल पर सूचना मिल जाएगी, या तो क्या डिपार्टमेंट दे रहा है, इसको चेक करिए। वो बाबड़ा थक जाता है बार बार रिपोर्ट के लिए पूछ पूछ के, क्या ऐसी चीज है डॉक्यूमेंट, जब आपने कर ली, आपके पास रिकॉर्ड आ गया, आपने उसका मोबाइल नंबर ले रखा है, तो उसको एक सूचना डाल दो भाई तुम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो कम से कम उसके आगे के परिवार को तो सुरक्षा मिलेगी, वो भी कम हम नहीं कर। अब ये सीरो सर्विलेंस सर्वे जो है जो आपने कराया, इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा सख्ती करके इसको आगे बढ़ाने का काम करो। अब ये जो आपने रैपिड जो है ना, ये जो एंटीजन टेस्ट है, अभी इसकी रिपोर्ट 48% है, 42% है, इस चक्कर में मत पड़िए। कम से कम इसमें 20 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है, तो कम से कम आगे फैलावता तो रुक पाएगा। और ये जितने भी आपने देखा होगा जो दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद और आपका ये जो तमिलनाडु है, ये जिस आग के गोले पर चला गया था और सबको लग रहा था कि ये संभलेगा कि नहीं संभलेगा, उन्होंने इस टेस्ट को शुरू किया और इसके कारण से आज इन जगह जो काबू हुआ है उसका कारण ये भी एक है। हो सकता है उसमें फेलियर परसेंटेज ज़्यादा है, निश्चित रूप से आपकी रिपोर्ट के आधार पर है, लेकिन हिंदुस्तान के अधिकांश राज्य इसको कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ 20 मिनट में रिपोर्ट वाली में कम से कम, भविष्य में आगे तो नहीं फैलेगा, कम से कम वो गलत होगा तो दोबारा उसका टेस्ट हो जाएगा, और हमारी जांच का भी 73% से ज़्यादा नहीं है ना, तो जब हमारा 73% है उनका 52% है, अगर थोड़ा बहुत परसेंटेज का अंतर होगा तो इसका आप उपयोग करो, जिसके कारण से आगे बढ़ने वाली इस बीमारी को हम किसी प्रकार से रोक सकें। अब ये जो होम आइसोलेशन है, मैं सोचता हूँ इसके बारे में हमको विचार करना चाहिए। कारण क्या है, मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भी अगर किसी को सेंटर को जहाँ आपके कोविड के पेशेंट रहे देखना जाना चाहता हूँ तो कोई जाने नहीं देता है,
वो दूर से आपको रोक लेते हैं, और वहाँ की हालत जो अंदर की है वो मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अगर उसने कहीं फ़ोन पे आकर के अपनी सही स्थिति बता दी ना, तो मैं सोचता हूँ कि रात को नींद नहीं आएगी कि उसको किस तरह से वहाँ ट्रीट कर रहे हैं। है ना, आपके पास 20 बेड लगे हुए हैं, लेट्रिन तो एक है, और वो लेट्रिन भी इतनी गंदी हो गई कि उसकी जाने की इच्छा नहीं होती है। उसको गर्म पानी जो मिलना चाहिए वो गर्म पानी समय पर मिलता नहीं है, उसको जो खाना मिलना चाहिए टाइम पे वो खाना मिलता नहीं है, और खाना देने वाला जाता है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, भगवान ना करे हम में से कोई अगर उस पर चला जाए तो ऐसे फेंकता है जैसे कुत्ते को फेंकते हैं। आदमी का रोंगट काम पाता है, आदमी का दिल जलता आता है कि मैंने ये दिन देखने के लिए यहाँ आया। तो वास्तव में जो लोग बीमार होकर के आ गए उनका कॉन्फिडेंस तो आप उनकी व्यवस्था को सुधार के बढ़ा सकते हो। मैं सोचता हूँ जितना आपकी दवाई काम नहीं करेगी जितना वहाँ की व्यवस्था करेगी। लेकिन कुछ सेंटर अच्छे हैं, कुछ सेंटर अच्छे नहीं हैं। इन सेंटरों को देखने के लिए कोई न कोई, अब किसी की आलोचना नहीं करें, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि वहाँ जिस प्रकार के नर्सिंग स्टाफ नहीं हो ना तो आप हिल जाओ। अगर ये नर्सिंग स्टाफ जिसको चाहे वो अंडर ट्रेनिंग है, चाहे संविदा पर है, चाहे जो आपके डॉक्टर रखे हैं, ये उसके कारण से बहुत कुछ संभला हुआ है, मैं सोचता हूँ इसको और सुधारने की कोशिश करो। किसी की आलोचना करके उसको कोई बाहर करने की कोई मानसी नहीं, लेकिन सिस्टम को सुधारा जाए तो लोगों का एक तरह से कॉन्फिडेंस जो है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। अब मैं सोचता हूँ कि वेंटिलेटर की जहाँ सुविधा की दृष्टि से है, वेंटिलेटर अब काफ़ी कुछ उपलब्ध हुए हैं, लेकिन कई जगह अभी भी इसके बारे में कमी महसूस होती है, जिसके कारण से लोगों को फिर क्या है कि आप गंभीर किस्म का रोगी भी उसी हॉल में, और नया आया बिल्कुल जवान जो कहता साहब मेरे तो नख में भी रोग नहीं है पर आपका पॉजिटिव आ गया इसलिए मुझे भी लाकर इनके बीच में, वो रात भर खांसता रहता है, इसको रात को अपने खाट पे बैठे नींद नहीं आती है। वो ये सोचता है कि मैं तो कम से कम ये डिवीजन करके गंभीर बीमार है उनको कोई अलग कमरे में रखो, जो बिल्कुल एकदम कुछ फ्रेश है उसको अलग करो, ऐसे चार पांच टुकड़े करके कम से कम उसका कॉन्फिडेंस। और मैं सोचता हूँ कुछ चीज़ें जो सुविधा जो हॉस्पिटल में आपको होनी चाहिए वो ज़रूर आप, व्यवहार भी बहुत कुछ काम करता है, इस बारे में भी आपको सुधारने की आवश्यकता है। आपको सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ गाइडलाइन दी है, लेकिन उसकी पालना अभी राजस्थान में नहीं के बराबर हुई है। मतलब उन्होंने कहा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाओ, जो एक्सपर्ट कमेटी कम से कम 5-10 दिन में उस जगह जहाँ कोरोना पेशेंट का इलाज चल रहा है उसको जाकर के देखे और उसकी रिपोर्ट देवे। तो मैं सोचता हूँ उससे उस बीमार का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरे को देखने वाला कोई आ रहा है, क्योंकि घर वाले जा नहीं सकते, घर वालों को समाचार मिलता नहीं है, घर से जब उठा ले जाता है उस आपकी जो वाहन आता है एम्बुलेंस आती है और सारा गाँव चढ़ाई चढ़ाई उसके बच्चे रोते हुए उसके बाप को विदा करते हैं, तो गांव का दृश्य देख करके दिल जाता है कि ये क्या हुआ है। मतलब वो न उसको देखने जा सकता न उसके बारे में पूछ सकता, तो कम से कम कोई टेलीफोन का सिस्टम करो। आप उसको अगर मान लो मोबाइल नहीं देना चाहते हो मत दो यार, पर एक अमल तो रख दो यार, जिससे कम से कम वो अपने घर वालों से अपनी स्थिति के बारे में बात कर सके, कह सके, उसके दुख को रोक सके, और कम से कम उसके उस कमरे में एक टीवी तो लगा दे यार, उसको देखते देखते उसका समय तो गुजर जाए। ये नहीं, इतनी सुविधा मतलब इतनी महंगी नहीं है, लेकिन उसके कारण से उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो हम बढ़ा सकते हैं। तो सीसीटीवी कैमरे के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आपको गाइडेंस दी है, लेकिन अभी तक हम नहीं लगा पाए, ताकि कम से कम उस सीसीटीवी कैमरे से आपका मेडिकल स्टाफ भी, आपका बाकी स्टाफ भी, वहाँ काम करने वाले लोग भी, पेशेंट भी, कम से कम यार उसमें कैमरे में कैद तो रहेंगे, जिसके कारण से उसके मन को बनेगा कि नहीं इसमें से कुछ हो सकता है। एक हेल्प डेस्क के लिए बताया था कि हर एक में हेल्प डेस्क बना दिए जाए, तो उसके बारे में उस पेशेंट का कोई कोई परिवार का एक व्यक्ति उस जगह नहीं रहे पर हॉस्पिटल कैंपस में कम से कम कहीं रहे, उसको किसी प्रकार की मदद की या कोई चीज़ की आवश्यकता हो तो मैं सोचता हूँ उसको मिल सके। उसका केवल कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। जितने लोग आपके जा रहे हैं ना, इसमें से आपके 80% लोग सुरक्षित लौट करके आ रहे हैं, ये एक सौभाग्य है। वास्तव में राजस्थान का जो मृत्यु दर है वो 1.38 ही है, जबकि देश का 1.92 है। तो वास्तव में हम इसमें अपने आप काम पे है, लेकिन
जो हैं उन लोगों का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए हमको काम करना चाहिए। और मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूँ, आप जो बार 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 केंद्र ने ये नहीं किया, केंद्र ने ये नहीं किया, मैं सोचता हूँ ये बार बार अगर आपको कोई कमी लगती है कि ये कम है तो और लेने की कोशिश करो, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कि कुछ नहीं कर रहे हैं। ये 20 लाख का क्या है पैकेज? अभी बड़े विद्वान विद्वान साथी हैं, बड़े सीए का है, पढ़े लिखे लोग हैं, आज दिन तक यार मैंने तो कभी ये 20 लाख का पैकेज देखा नहीं। क्या हमने मांगा था कि हमें पैकेज देना? उन्होंने चला करके अपनी तरफ से देश की अर्थव्यवस्था इतनी हालत ख़राब हो गई है। मैं माननीय मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूँ, आप और मेरे तो हर महीने तनख्वाह मिलती है, इतनी रोटी खा रहे हैं, लेकिन जो किसी बनिए की दुकान पर 15,000 में नौकरी कर रहा था ना, जो किसी होटल पर काम कर रहा था, उसको 4 महीने से न काम है न तनख्वाह है, उसके बच्चे क्या खा रहे हैं? वो इतना सम्मानजनक है कि किसी के सामने जात का हाथ भी नहीं फैला सकता है। और ये जो आपके जो आत्महत्याएं हो रही ना, ये वो स्वाभिमानी लोग हैं जिन्होंने अब तक मेहनत करके अपने बच्चों को पाला, लेकिन अब परिस्थितियाँ जवाब दे रही है, इसके कारण से वो घबरा करके पहले बच्चों को जहर देता है और फिर स्वयं जहर खाता है। इसका कोई वर्णन करने से कोई समस्या का हल नहीं है, लेकिन इन लोगों को कैसे हम अपने काम पर खड़ा कर सकें, इसलिए लॉकडाउन को अनलॉकडाउन पे गए। इस कारण से गए कि आखिर लॉकडाउन कब तक हमारी सीमा में आएगा? केवल काबू करने के लिए हम सब चीज़ें बंद कर देंगे तो रोजी रोटी के बिना वो क्या खाएगा? सरकार मदद करेगी, कितनी मदद करेगी? सरकार मान लो 80 करोड़ लोगों को भी नवंबर तक का राशन दे देगी, 8 महीने का राशन दे देगी, लेकिन उसके कारण से भी तो उसका पेट नहीं पड़ेगा, उसके बच्चे नहीं पलेंगे। उस सबके लिए हमको रोजगार खड़ा करना ही पड़ेगा, और उसके कारण से हम अनलॉकडाउन पे गए हैं। मैं सोचता हूँ हमारे बड़े विद्वान साथी है धौलपुर से जो आए हैं ना, राजा खेड़ा से, बड़े अच्छे तर्क रखे थे, SMSE में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। अरे आज दिन तक इस हिंदुस्तान में कभी किसान को अपने किसान क्रेडिट कार्ड पर 2 लाख का कर्जा लेने के लिए कभी ऑर्डर पड़ा है? ये पहली बार उस व्यक्ति ने, और ये भी नहीं किया उसने, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया किसान के लिए तैयार करने का, और जो बच गया है उसको भी उसने 30,000 करोड़ रुपया और दिया है, जिसके कारण से जो इस सीमा में भी नहीं आते, कहीं उनको कुछ नहीं मिलता है, वो कहती है। और आज भी अगर हिंदुस्तान इस पोजीशन में जिंदा है तो हिंदुस्तान के किसान की मेहनत के कारण से आप और मैं यहाँ सुरक्षित बैठा हूँ, उस व्यक्ति के कारण से। उसने न कोरोना का डर लगा, वो फसल भी बो रहा है, फसल काट भी रहा है, और फसल को ठेठ मंडी तक भी ले जा कर के बेच रहा है, और उसके कारण से, उसकी हिम्मत के कारण से। मैं सोचता हूँ हम छोटे छोटे जो ठेले लगा करके बैठे हैं, जो समोसा कचौरी बेचते हैं, वो आखिर शाम को कमाएगा तभी तो बच्चों को ले जा के खिलाएगा। मैं सोचता हूँ उन सबके धंधे आज चौपट हो गए हैं। ऐसे समय में जहाँ एक और महामारी से लड़ना है तो दूसरी और रोजगार के धंधों के लिए ये जो पैकेज की जो घोषणा की है ना प्रधानमंत्री जी ने, 1,72,000 रुपये गरीब कल्याण की योजना की है। अब इसमें से राजस्थान के लोगों को जितना लाभ हम दिला सके, हमारी एफिशिएंसी यही है कि हम इस पैसे को उस गरीब तक पहुँचाने के लिए जो सिस्टम होना चाहिए वो हम उसे पहुँचा दें। हम उस किसान को जो पैसा इसमें दिया है वो किसान को कैसे उसकी उपलब्धि हो ताकि वो निकाले। छोटे छोटे उद्योग हैं, अब पहले उद्योग में 20 करोड़ तक की सीमा थी, अब उन्होंने इन छोटे उद्योगों को 200 करोड़ तक का अगर कोई भी होगा तो कहीं भी उसको ग्लोबल टेंडर करने की आवश्यकता नहीं है, वो इसमें सप्लाई करेगा। तो मैं सोचता हूँ कितने लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है, कितने लोगों को। अब हमारे तो दिमाग में एक ही बात बैठती है, सब्सिडी। अगर ये सब्सिडी पहले दिन से प्रारंभ नहीं करते तो हिंदुस्तान खड़ा हो जाता। मैं आपको सही और कड़वा सच कह रहा हूँ, अगर वास्तव पैरों पर उसको केवल दान दक्षिणा देते देते ना एक दिन तो सोचना ही पड़ेगा आखिर सारी सिस्टम को बदलने के लिए। तो वो सारा का सारा काम किया, लेकिन उसके बाद भी आपके मन में तो केवल और केवल बस आलोचना। मैं सोचता हूँ इस तरह से नहीं, जहाँ मैंने कमियाँ आपको ध्यान में बताई है, मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूँ कि कोरोना वॉरियर को आप जितनी सुविधाएँ दे सकते हैं, ये 50 लाख का जो पैकेज दिया उसका इंश्योरेंस का देश के प्रधानमंत्री ने दिया ना, आपने उसमें और कुछ जोड़ा होगा, बहुत अच्छी बात है। मैं सोचता हूँ
चंदा पे हो चाहे किसी पे, जो हमारा काम करते हुए आप नहीं निकलना है। इस महामारी में कोई पत्थर बेचने फेंकने से और न तो बड़ा हो सकता है न हुआ है। इस महामारी से लड़ने के लिए सामूहिक विचार करके हर कदम जहाँ जहाँ आपको लगता है यहाँ गलत है, अब हमने आलोचना की क्या खराब आलोचना की है ना, मेरे विधायक फंड का है तो मैं तो विधायक फंड का नाम भी नहीं लिख सकता, उस पर पैकेज भी नहीं लगा सकता और बाकी फोटो लगा करके उसको बांटने का काम करें तो मन को पीड़ा तो होती है, हमारे मन में भी पीड़ा तो होती है, हम भी तो आखिर एक जनप्रतिनिधि है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सुविधा नहीं इनको नहीं है, तो मैं सोचता हूँ ये जो अंतर है, मैंने इसकी चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को भी लिखी, मैंने कहा आपने बहुत बड़ा मन रख करके जब हाउस में यहाँ आपने घोषणा की, हमने मना कहा कि इसमें हम राजनीति नहीं होने देंगे, और उन्होंने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तब भी हमने कहा कि एक अच्छी शुरुआत आपने की है लेकिन जब आप इसको राजनीतिक कलर देने की कोशिश करते हो तो मन को पीड़ा जरूर होती है। हम भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हम किसी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका अधिकार है हमारा अधिकार नहीं है। मैं आपको सभापति जी फिर बहुत विनम्र भाव से आलोचना के पक्ष को कम से कम इस कोरोना की महामारी से बाहर निकाल दो, हम सब लोग मिलकर के और विशेष करके राजस्थान के भामाशाह में आज भी दमखम है, जब जब भी हमने उनको पुकारा हर संकट में उन्होंने हमारी मदद करके हर संकट के समय खड़े रहे। मैं सोचता हूँ जितने भी कोरोना के हॉस्पिटल बने हुए हैं, अब राजस्थान का जयपुर है 200 की कैपेसिटी है, क्या होगा अगर कभी विस्फोट हो जाए, और प्राइवेट वालों के बारे में ज़्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, जा करके थोड़ा सा अनुभव करके आ जाओ किस तरह से वहाँ लोगों की लुटाई हो रही है, उसको आप देखने की कोशिश करो। 2200 रुपये आपने तय कर दिया, वो 2200 रुपये का टेस्ट कैसे कर रहा, एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव, एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव, क्या है? अरे यही कुछ, यही कमाने की यही बीमारी मिली क्या, इसी में करोड़पति बनेंगे क्या? लेकिन मन इतना कमजोर है कि हम उसको ठीक प्रकार से आंकते नहीं हैं। मेरी प्रार्थना है मंत्री महोदय, अगर वास्तव में इस बीमारी से लड़ना है, मानवता को बचाना है, इंसान को बचाना है और इंसान को उसके पैरों पर खड़ा करना है, तो निश्चित रूप से जो जो पैकेज हमारे पास है उसका उपयोग करो, सिस्टम बनाओ। 22 जिले हमारे 116 में सेलेक्ट है और उस गरीब कल्याण में भी हम वहाँ काम और रोजगार दे करके लोगों को खड़ा कर सकते हैं। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात ही पूरी करता हूँ, धन्यवाद। डॉक्टर रघु शर्मा जी, माननीय सभापति महोदय, कोरोना महामारी और इसके आर्थिक दुष्प्रभाव उसके बारे में पक्ष और विपक्ष के माननीय 25 माननीय सदस्यों ने अपने अपने बहुमूल्य सुझाव आज यहाँ रखे। मैंने जब आज सवेरे पूरी स्थिति के बारे में अपना वक्तव्य दिया तो मेरे वक्तव्य में कहीं भी एक शब्द मैंने राजनीति करने की कोशिश नहीं की, ना मैंने आलोचना की कोई, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उसका उल्लेख किया, उसके उपरांत भी जो चर्चा हुई आज वो तो सभी ने सुनी है। अब मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है सभापति महोदय कि प्रधानमंत्री जिस काम की तारीफ करते हैं हमारे सदन में, उससे भी बड़े नेता बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी को चुनौती दे रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं? ये सुझाव देने के लिए तो आज बहुत अच्छी बात थी। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि साहब अगस्त के महीने में पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा आए। माननीय सभापति महोदय, मैं आप इनको जानकारी देना चाहता हूँ, अगस्त के महीने में दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आए पूरी दुनिया में, वो 12 लाख हिंदुस्तान में आए। अब ये कोई हम लेके आए या मोदी जी लेके आए, ये तो संक्रमण है, फैल रहा है। पूरे देश के आंकड़े मैंने आपके सामने रखे, दुनिया के आंकड़े आपने आपके सामने रखे, हमारे मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य
वो कह रहे थे 11 करोड़ की N95 मास्क खरीद लिए। कभी हिसाब किताब किया है क्या? कोई अखबार में खबर पढ़ ली? अरे सुनिए साहब, सभापति महोदय, ये सदन है, ये गलती आपके, जो आपने इतना, ये सदन है, यहाँ जो भी माननीय सदस्य बात कहता है। मंत्री महोदय, ये गलती आपकी कि आपने इतना सीरियसली लिया उनको। मैं तो आपको भी सीरियसली लेता हूँ और सबको सीरियसली लेता हूँ, लेकिन इस सदन के अंदर आप ये कह दो 11 करोड़ के N95 मास्क साबित कर सकते हो क्या? क्यों टाइम खराब कर रहे हो? बैठ जाइए, बैठिए, मैंने आपकी सुनी है। 11 करोड़ के N95 मास्क किसको कहते हैं और किसने खरीद लिए? हर तरह की आलोचना मैंने आज सुनी है यहाँ। अगर RMCL बनाई थी प्रोक्योरमेंट के लिए, आपके समय में भी हुई प्रोक्योर करती थी, PPE किट का प्रोक्योरमेंट भी वही कर रहे हैं, N95 मास्क का भी वही प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, ट्रिपल लेयर मास्क का भी वही प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, सैनिटाइजर का भी वही कर रहे हैं। और उनका अपना तरीका है, अगर किसी माननीय सदस्य को कोई शिकायत है तो मैं सदन में कहना चाहता हूँ, आप मुझे लिख के दो, मैं जाँच कराऊँगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सिर्फ चलते 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 बिना किसी आधार के कोई अखबार में पड़ी हुई खबर जिसमें कचोरी खा के फेंक दी होगी लोगों ने, उस आधार पे आप यहाँ कह दो 11 करोड़ के N95 मास्क खरीद लिए गए। अभी कटारिया जी ने कहा 1 लाख N95 मास्क वो तो वहाँ से भेजे दिल्ली से, और 11 करोड़ में आपको मालूम है N95 मास्क कितने में आता है? 1 करोड़ में उस 11 करोड़ में भाग दो उनका, कहाँ इतने की जरूरत है यहाँ पे? इसलिए बेसिर पैर की बातें इस सदन के अंदर नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा आपने कहा ये डॉक्टर्स की 765 डॉक्टर्स की माननीय सभापति महोदय इसी कोरोना काल में हमने भर्ती की, और आज वो कोरोना वॉरियर्स के रूप में अलग अलग जगह पे इस महामारी में राजस्थान की जनता को सेवाएं दे रहे हैं, उनको हमने नियुक्ति भी दे दी। 12,500 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती इसी कोरोना काल में हुई और उसमें कुछ कोर्ट केसेस की वजह से लटक गई। अभी हमने कल ही जो बचे हुए केसेस थे 9,000 केसेस को तो हमने पहले क्लियर कर दिया, कोविड में ड्यूटी लगा दी, और जो बचे हुए थे करीब 77 लोग रह गए, बाकी सबको भी नियुक्ति का रास्ता उनका प्रशस्त कर दिया। अभी जो CHO की बात की आपने, 6,310 CHO की भर्ती के लिए मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी है, वो सारा काम शुरू कर रहे हैं। भर्ती में कहीं कोई कोताही नहीं है, और ये 2,000 डॉक्टर्स की भर्ती का काम, अभी कई माननीय सदस्य कह रहे थे 1.5 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, भर्ती की प्रक्रिया होती है, अगर उसको अगर प्रक्रिया भी सवाल उठेंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ इसकी व्यूज आ गए थे, अखबारों में भी आई, आपने भी सुना है, इश्यू सही है तो हम दोबारा परीक्षा कराएंगे, लिस्ट जारी हो जाएगी, क्योंकि ये सब काम हमारा हो चुका है। ये 2,000 डॉक्टर्स की भी नियुक्ति जारी कर देंगे हम जल्दी से, 4-5 दिन में इसका फैसला करेंगे और पूरे राजस्थान में इनकी नियुक्ति हो जाएगी। कई माननीय सदस्यों ने अच्छे सुझाव भी दिए। एक माननीय सदस्य ने कहा बीमा योजना के बारे में, अब कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए माननीय सभापति महोदय, 13 दिसंबर 2019 से आज दिनांक तक, नोट कर लेना आप ताकि बार बार सदन फिर भी चलेगा, फिर उठाओगे ये बातें, 13 दिसंबर 2019 से आज दिनांक तक कुल लाभान्वित लोग थे 6,98,000 और उनकी राशि बनती थी 384 करोड़ 128 करोड़ की राशि का भुगतान कर दिया और 151 करोड़ की राशि का भुगतान शीघ्र होने जा रहा है।
कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल को बीमा की क्लेम की राशि दे, ये प्रोसेस है, आपके समय भी चल रहा था। ये कार्य संचालन संबंधी नियमों में इसे या मंत्रीगण जब अपना व्यवधान नहीं करेगा, मैं देख रहा हूँ आप खड़े रहते हैं, माननीय सदस्य बैठते नहीं हैं, तो इसको आग्रह करता हूँ कि इस संबंध में आप जो निर्णय दिए गए उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति आपकी बिना इजाजत पैरों पे हो तो कोई भी माननीय सदस्य खड़ा नहीं होगा, इसका पालना होना चाहिए। हमने माननीय किसी का अंकित नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि कृपया इंटरव्यू नहीं करें, अभी जो है 7-8 बिल भी बाकी है, हाँ करा के पैसे नहीं। अब बिराजिए, आप बिराजिए, बिराजिए, मेरे को सारी जानकारी है, आप चिंता मत करिए, मैं जानकारी के आधार पर ही आपको सूचना दे रहा हूँ। माननीय सदस्य बिराजिए, अंकित नहीं होगा, बिराजिए बिराजिए बिराजिए, कोई गलत जानकारी नहीं है। सभापति महोदय, एक सवाल और उठाया गया, ये जो प्लाज्मा थेरेपी हम लोग दे रहे हैं इसके लिए 16,500 रुपए ले रहे हैं। ये शुरुआत में तो एक दो केसेस में हुआ था, लेकिन अब एक नया पैसा किसी से नहीं लिया जा रहा है, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। अभी कटारिया साहब, अभी 1300 वेंटिलेटर भारत सरकार से प्राप्त हुए हमको, मैंने एक भी तथ्य आपसे छुपाया नहीं है। भारत सरकार ने जो दिया है उसका हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में राजस्थान में मजबूत करने में काम लिया है, और मैंने शुरुआत में ही कहा था आपको कि ये महामारी है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश ने इस लड़ाई को लड़ी है, लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। कई राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं, किसी ने राजनीति करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन यहाँ सब कुछ ठीक था। 21 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैं मौजूद था, किसी ने ये बातें नहीं कही उस टाइम, और आज जब हाउस में आए तो तरह तरह की बातें हो रही है। कुल मिला के मेहरबानी करके क्या बोल रहे हैं, ये तबलीगी जमात, अरे इसमें तो अपना सांप्रदायिक चेहरा आप कम से कम छोड़ दो, ये महामारी है, शर्म आनी चाहिए कि तबलीगी जमात को आप दोषी करना चाहते हो। ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है, क्या तरीका है, कितनी होगा बैठा हुआ प्लीज सहयोग करें कटारिया साहब, हाउस कोर्ट में माननीय 1300 जो वेंटिलेटर आए उसमें से कुछ पोर्टेबल वेंटिलेटर भी है, और अब तक सभी जिलों में 945 नए वेंटिलेटर्स की आपूर्ति हम कर चुके हैं, और जरूरत कितने की पड़ रही है, सिर्फ 40 वेंटिलेटर की। और मैंने अपनी स्पीच में कहा था सुबह कि वेंटिलेटर की स्टेज में जब पहुंच जाता है ना आदमी, तो उसको बचाना हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। हमारी कोशिश क्या है, ऑक्सीजन का फ्लो तेज हो, उसको हम इमीडिएटली भर्ती होते ही ऑक्सीजन सपोर्ट में ले आए, उसके पर्याप्त इंतजाम राजस्थान में किए गए हैं, और इसीलिए हमारी मृत्यु दर भी कम है। अभी सिर्फ 40 वेंटिलेटर काम में आ रहे हैं पूरे स्टेट के अंदर, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन ने 315 वेंटिलेटर और खरीदे हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल के अस्पतालों में, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के अस्पतालों में भी वेंटिलेटर्स की आपूर्ति की है। भगवान नहीं करे वेंटिलेटर की किसी को ज़रूरत पड़े, लेकिन प्रिक्योरमेंट पूरा है, हमने इंस्टॉल किए हैं सब जगह, कोई कमी नहीं है, इसकी चिंता आप करें नहीं। इसके अलावा मैंने अभी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बारे में बताया, फार्मासिस्ट 2077 पदों की, उसमें से 1736 पदों की नियुक्तियां भी प्रक्रियाधीन है। लैब टेक्नीशियंस 4682 जो कार्यरत हैं और हमारे स्वीकृत पद हैं 6779।
उसमें 1119 पदों की नियुक्तियां अभी प्रक्रियाधीन है। रेडियोग्राफर जो स्वीकृत पद हैं वो 2543 हैं, हमारे कार्यरत हैं 1008, अभी 1535 रेडियोग्राफर की भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है, प्रोसेस चल रहा है। आने वाले टाइम में ये जो हमारे को लाभ मिलेगा, कई तरह की दिक्कतें माननीय विधायकों ने बताई थी। मैं सदन को राज्य की सामान्य वित्तीय स्थिति एवं कोविड-19 के राज्य के वित्त पर प्रभाव के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। कोविड-19 महामारी का प्रकोप गत वित्तीय वर्ष 19-20 के अंतिम माह मार्च में राज्य में दिखना प्रारंभ हो गया था। इस कारण लॉकडाउन आदि परिस्थितियों की वजह से जहाँ एक ओर औद्योगिक वाणिज्यिक व्यापारिक गतिविधियाँ बंद हो गई, वहीं दूसरी ओर राज्य के आय के संसाधनों में भी बहुत व्यापक असर पड़ा है। उल्लेखनीय है कि कोविड आने से पूर्व केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश में आर्थिक मंदी के हालात उत्पन्न हुए थे और राज्य में राजस्व की प्राप्ति कमी आने लग गई थी। उसके अलावा कोविड महामारी और आ गई, इसने आग में घी का काम कर दिया। केंद्र सरकार द्वारा पूर्व के वर्षों में की गई नोटबंदी और GST को लागू करने में जो जल्दबाजी की गई, उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा पहले से ही चरमरा गया था और इससे सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर मात्र 5% रह गई थी। इन गलत निर्णयों से देश व राज्यों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा, जिससे वे अभी तक उभर नहीं पाए हैं। वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 राजस्व बढ़ोतरी दर में भारी कमी हुई। राज्य में पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो वित्तीय भार आप छोड़ के गए, जिसमें कई बार इस सदन में चर्चा हुई है, कृषक ऋण माफी के 6000 करोड़ का भार, बिना बजट के 5000 करोड़ से अधिक के सड़क निर्माण के काम, सातवें वेतन आयोग को लागू किए जाने से 2000 करोड़ रुपए के एरियर के भुगतान का भार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वर्ष 2017-18-18-19 के बकाया राजस्व की राशि लगभग 1000 करोड़ रुपए का भार, ये प्रमुख हैं। इस कारण लगभग 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए के बकाया के दायित्व हमारे ऊपर थे जब हमने सत्ता संभाली। इससे भी हम दबाव में आए। हमारी सरकार ने ना केवल गत सरकार द्वारा छोड़े गए लंबित जो पेंडिंग लाइबिलिटीज थी उनका भुगतान किया, बल्कि विकास की दिशा में राज्य को आगे बढ़ाने के दृष्टि से लोक कल्याणकारी कामों पर भी खर्च भी जारी रखा। राज्य का बजट जो 20 फरवरी 2020 को प्रस्तुत किया गया था, वह दिनांक 13 मार्च 2020 को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया और 22 मार्च को राज्य में लॉकडाउन लागू हो गया। ये स्थिति आपको सबको मालूम है। इस वित्तीय वर्ष के आरंभ से ही वर्ष के प्रथम दो माह में लगभग पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण राज्य की राजस्व प्राप्तियों में भारी गिरावट आई, जबकि राज्य पर वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे आवश्यक खर्चों पर भुगतान किए जाने की जिम्मेदारियां भी हमारे ऊपर थी। यद्यपि महालेखाकार राजस्थान द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक केवल माह अप्रैल 2020 का ही लेखा प्रेषित किया गया है, शेष मासिक लेखे राज्य सरकार को मिले नहीं हैं, फिर भी उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के प्रथम दो महीने में कोविड महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण राज्य के स्वयं के कर राजस्व में लगभग 60% एवं राज्य के स्वयं के गैर कर राजस्व में 63% की कमी आई है। अनलॉक प्रथम और द्वितीय के आरंभ होने के साथ पश्चात राज्य के राजस्व में यद्यपि मामूली सी वृद्धि हुई है, फिर भी वर्ष 2020 के जून जुलाई माह की आय तुलनात्मक रूप से वर्ष 2019 के जून जुलाई माह की आय से लगभग 18 से 20% कम रही है। ये सिलसिला अगस्त माह में भी वैसा ही रहने की संभावना है। चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम चार मास में
गत वर्ष के प्रथम चार मास की तुलना में राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियों में लगभग 30% की कमी रही है। राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियों के मुख्य मदों में तुलनात्मक कमी निम्नानुसार है। स्वयं का कुल राजस्व प्रतिशत में जो कमी है ये करोड़ों में राशि 23.8, वस्तु एवं सेवा कर GST 31.98, वैट में 6.08, आबकारी में 15.79, स्टाम्प और पंजीयन में 23.94, वाहन कर में 54.37, विद्युत शुल्क में अन्य में 36.82। राज्य का स्वयं का कुल गैर राजस्व 49.59, पेट्रोलियम में 67.19, खनन में 18.90, ब्याज प्राप्तियों में 64.98, जलापूर्ति में 46.69, अन्य 53.56, स्वयं का राजस्व कर प्लस गैर राजस्व कर 28.60। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट में प्रावधित राशि अनुसार ही राज्यों को केंद्रीय करों की हिस्सा राशि का मासिक हस्तांतरण किया जाता रहा है तथा संशोधित अनुमाने के बाद ही इस राशि में कमी या वृद्धि की जाती है, परंतु चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को केंद्रीय बजट में प्रावधित राशि के अनुसार केंद्रीय करों की हिस्सा राशि नहीं दी गई और बिना किसी आधार के माह जुलाई 2020 से राज्य को हस्तांतरित की जाने वाली राशि में भारी कटौती आरंभ कर दी गई है। इस माह में 800 करोड़ से अधिक की राशि कम हस्तांतरित की गई है, जो अपेक्षित मासिक किस्त में 25% से अधिक की कटौती है। केंद्र सरकार द्वारा की गई इस अप्रत्याशित कटौती ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल असर डाला है। लॉकडाउन की स्थितियों में जहां एक तरफ अत्यावश्यक सेवाओं को चलाए रखने की चुनौती थी, वहीं दूसरी तरफ राज्यों से अपने घरों में लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को भी सहायता प्रदान करना आवश्यक हो गया। BPL अंत्योदय तथा BOCW में पंजीकृत श्रमिकों के परिवारों तथा जो परिवार सामाजिक सुरक्षा के पेंशन लाभार्थी नहीं थे, साथ ही SI निराश्रित, ठेले रेडी चालक, रिक्शा चालक, भिखारी, घुमंतु इत्यादि के लगभग 35 लाख परिवारों को 3500 रुपये प्रति परिवार अनुसार अनुग्रह राशि के रूप में लगभग 1200 करोड़ रुपए की सहायता राशि इस दौरान प्रदान की गई है। COVID-19 आपदा से निपटने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चयनित पात्र लाभार्थियों के परिवारों को माह अप्रैल, मई व जून 2020 में निःशुल्क गेहूँ का वितरण किया गया, जिस पर राज्य सरकार को 111.39 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आया। इसे आगे बढ़ाते हुए गेहूं का निशुल्क वितरण माह नवंबर 2020 तक देने की घोषणा की है, जिस पर 185 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होगा। COVID-19 आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चयनित लाभार्थियों की अतिरिक्त संख्या को ध्यान में रखते हुए 34 लाख लोगों के लिए 34,000 मैट्रिक टन गेहूँ कीमतन भारतीय खाद्य निगम से मार्केट प्राइस पर क्रय किया गया और राज्य की जनता को उपलब्ध कराया गया और इस पर राज्य सरकार को 79 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े 23 रुपए प्रति किलो में। जो भारत सरकार ने गेहूं दिया था उसके अतिरिक्त हमने गेहूं खरीदा FCI से, उस पर 80 करोड़, लगभग 79 करोड़ मैंने बोला वो खर्च किया है, लेकिन राज्य की जनता को गेहूँ पहुँचाया है। राज्य सरकार का ध्येय, जो मैंने सुबह भी कहा, एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसी को ध्यान में रख के प्रवासी तथा ऐसे व्यक्ति जिनका COVID-19 के दौरान हुए लॉकडाउन के फलस्वरूप रोजगार उद्योग धंधे समाप्त हो गए, ऐसे 37 श्रेणी के परिवारों का सर्वे करवाया गया। सर्वे करवाए जाने के पश्चात इन परिवारों को कुल 10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति तथा 2 किलो चना प्रति परिवार उपलब्ध कराया गया है। ऐसे 3.59 लाख परिवार जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित नहीं है, उनको भी 10 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं और 2 किलो प्रति व्यक्ति प्रति परिवार चना उपलब्ध कराई
कराई जाने की घोषणा की गई है। उक्त विश्वव्यापी महामारी पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा इस पर कुशल प्रबंधन की गई, उसका पूरे देश ने सराहना भी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने भी, मैंने जैसा सुबह कहा कि राज्य की कोरोना प्रबंधन की तारीफ की है। राज्य में प्रतिदिन 41,000 से ज़्यादा, अभी तो करीब 46,000 मैंने सुबह बताया था, बढ़ गई जांचें। और जैसा आपने कहा था अभी कि हम जांचें प्रतिदिन कितनी कर रहे हैं, हम पर डे 32,000 जांचें अभी कर रहे हैं। 32,000 से कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम भी हो जाती है, लेकिन जांच के एक मापदंड होते हैं, उन मापदंडों के आधार पर ही हम जाँच करते हैं। और जो जांच का परिणाम है वो टाइम बाउंड आए, इस पे भी हमारी सरकार का फोकस है, आप चिंता नहीं करें। इन सारी परिस्थितियों में राजस्व स्रोतों में हो रही अत्यधिक कमी को देखते हुए अपरिहार्य व्ययों को छोड़कर शेष सभी मदों में राजस्व प्राप्तियों के अनुसार व्यय को सीमित किया जाना आवश्यक हो गया है। इन परिस्थितियों में राजकोषीय प्रबंधन के तहत राजकीय व्यय में प्राथमिकता निर्धारित करने के उपरांत व्यय को सीमित किया जाना अपेक्षित होगा। इस दृष्टिकोण से राज्य का सर्वप्रथम अपरिहार्य व्यय अत्यावश्यक व्यय गत वर्ष के लंबित दायित्व, केंद्र प्रवर्तित योजनाएं, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं, गत वर्ष की नवीन बजट घोषणाएं, अन्य आवश्यक व्यय की प्राथमिकताएं तय करते हुए व्यय को सीमित किया जाएगा। कोरोना काल में राज्य की आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी है, अपितु कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास हेतु निम्न जनहित के कार्यों को स्वीकृति भी प्रदान की है। चिकित्सा ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 7 मेडिकल कॉलेजों के लिए 819 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है। मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी का पुनर्गठन कर 210 नए पदों का सृजन किया गया है। स्वास्थ्य मिशन के तहत, जैसा मैंने कहा, 6,310 CHO की भर्ती की स्वीकृति जारी हुई है। और वित्तीय वर्ष 2020-21 में 37 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने की भी स्वीकृति हमारी सरकार के द्वारा दी गई है। अभी जो नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्रों में 400 तथा उपखंड कार्यालयों में 588 नए पदों की स्वीकृति भी जारी हुई है। 16 नवसृजित एवं नवक्रमोन्नत तहसीलों उप तहसीलों के तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को पंजीयन के अधिकार प्रदान किए गए हैं। पुलिस को एकमुश्त 7,000 रुपये परमिट से वंचित रहे वाहनों को कर में छूट प्रदान की गई है। कोविड-19 के समय 6 महीने में जो भर्तियां हुई है वो भी करीब 25,000 के लगभग है। और 3 माह में आने वाले समय में हमारी सरकार 12,300 के लगभग नियुक्तियां देगी। नई भर्ती हेतु जो विज्ञप्ति जारी हुई है वो 5,000 के करीब है। और RPSC और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को नई भर्ती के लिए जो अभ्यर्थना भेजी गई है वो लगभग 4,200 है। नवीन पद स्वीकृत किए गए हैं 7,000। RPSC की 9 विभिन्न भर्तियों हेतु राजस्थान एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 14 विभिन्न भर्तियों का कैलेंडर भी जारी किया गया है। इसके अलावा कृषि विभाग हो, गृह विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, हमारा प्राविधिक शिक्षा निदेशालय हो, राजस्व मंडल हो, महिला अधिकारिता हो, परिवहन विभाग हो, कार्मिक विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, इन सबको मिला के और नए पदों की संख्या 13,652 है कुल, जिस पे काम चल रहा है। जो प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने इस महामारी के दौरान में जो कहा है, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, प्रख्यात अर्थशास्त्री और भारत के आर्थिक सुधारों के शिल्पकार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 अगस्त 2020 को कहा
कि केंद्र सरकार का लॉकडाउन के प्रति विस्मयकारी रवैये से आम जनता को अपूर्णीय हानि हुई। बगैर किसी पूर्व सूचना के कठोर लॉकडाउन लागू करना अदूरदर्शी एवं असंवेदनशील फैसला था। भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में बहुत ही कठिन और जटिल दौर से गुजर रही थी। ऐसे समय में ये स्टेप उठाए गए, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने कहा, 5 मई 2020 को भारत की अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव से उबारने के लिए अमेरिका एवं जापान जैसे देशों के समान बड़े राहत एवं प्रोत्साहन के पैकेज की आवश्यकता है। इसका मतलब है ये मिले नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और प्रख्यात अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने 25 जुलाई 2020 को कहा कि भारत कोविड-19 महामारी से जनित स्वास्थ्य संकट में प्रवेश कर चुका है, साथ ही गिरती हुई विकास दर, खस्ता हाल राजकोषीय स्थिति एवं बढ़ती हुई एनपीए की स्थिति और गंभीर है, और ये सर्वविदित है कि भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही आर्थिक मंदी से जूझ रही थी। कोविड-19 महामारी के प्रकोप से और भी कमजोर हुई है वाणिज्यिक एवं वैश्विक गतिविधियों से, इसे गहरा आघात पहुंचा है। इसके दुष्प्रभावों से केंद्र सरकार के साथ साथ कोई भी अछूता नहीं रहा है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय आगे, सर जब मैं बोलना शुरू किया था तो सभापति जी बैठे, अब आप आगे। संविदा कर्मियों को हमने बोनस दिया 2500 रुपये, हनुमानगढ़ जिले में एक नहीं मिला। लेब टेक्नीशियन, लेब असिस्टेंट समेत सारे संविदा कर्मियों को हमने दिया है। कुल मिला के जो राजस्थान में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, जिसकी सारी देश में दुनिया में तारीफ हो रही है, और उन्होंने ये जो काम किया है राजस्थान के 8 करोड़ जनता की जिंदगी बचाने का, मैं पहले भी कह चुका हूँ अभी फिर कह रहा हूँ, ये चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। थोड़ा धीरज रखो, अगर केंद्र सरकार अच्छा काम करेगी हम तारीफ करेंगे, अगर राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है तो आपको भी खुले दिल से तारीफ करनी चाहिए। इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ये महामारी जब तक चलेगी कोई नहीं कह सकता कब तक ये महामारी चलेगी, लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से राजस्थान की 8 करोड़ जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि राजस्थान की सरकार संवेदनशील है। राजस्थान की संवेदनशील सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में एक एक फैसला राज्य के प्रत्येक जन को समर्पित होकर करेगी। धन की कोई कमी नहीं आएगी, हमारे लिए आम आदमी की जिंदगी बचाना प्राथमिकता है, रहेगी, और हम आदमी की जिंदगी बचाएंगे। आप सब लोगों ने आज इस चर्चा में भाग लिया, मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा समाप्त हुई, आज विधेयक कार लेने थे, और जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग की थी तब हमने निर्णय किया था कि कोरोना के कारण एक ही दिन में सारी कार्रवाई संपादित करेंगे, पर मुझे खुशी है कि आज जिस तरह हम चर्चा की और माननीय सदस्यों में से कोई कोरोना का पेशेंट हमारा आज सदन में नहीं है, इसलिए आप सबकी अनुमति हो तो विधायी कार जो आज लेने वाले थे वो विधायी कार हम मंडे के दिन लेना चाहते हैं, इसलिए आपकी अनुमति हो तो सदन की कार्रवाई सोमवार को 24 तारीख को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।